गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट इक्वेशन, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। एडवांस इक्वेशन सीख रहे थे साहब हम लोग, क्या सीख रहे थे? एडवांस इक्वेशन सीख रहे थे, राइट? चलिए देखते हैं इसको अब। स्टार्ट करूं? हां जी, देखो जी, खूब अच्छे से देखना सारे बच्चे। ये देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट इक्वेशन, ये चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट साहब, इसमें हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना था हम लोग को, एडवांस कॉन्सेप्ट। चलिए जान लेते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट को, खूब अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है सब। एडवांस कॉन्सेप्ट किसको बोलेंगे? तो साहब नंबर वन, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, सर क्या इफेक्ट है मेरे को बताइए। राइट, इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट इक्वेशन। सर नंबर वन, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। नंबर टू, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, क्लियर साहब। नंबर थ्री, एक्रूड इनकम, साहब। नंबर फोर, नंबर फोर, अर्न्ड इनकम, अर्न्ड इनकम। चलिए ये दो डिस्कस कर चुके थे, अब ये दो डिस्कस करना है। एक बार देख लीजिए उस डिस्कशन को भी, एक बार देख लीजिए। सर ऑस्टनिक एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस ड्यू, साहब जी ये देखिए एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, खर्च बाकी है अभी तक हम लोग पेड नहीं किए हैं, तो ये हमारा लाइबिलिटी है साहब, ये हमारा क्या है? लाइबिलिटी, याद रखिएगा, ये हमारा लाइबिलिटीज है बाबू साहब। लाइबिलिटी में भी ये हमारा करंट लाइबिलिटी है, क्या है साहब? करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, जिसका पेमेंट विथ इन 12 मंथ होना चाहिए। इफ नॉट गिवन, इफ गिवन देन एक ऑपरेटिंग पीरियड के अंदर पेड हो जाना चाहिए,
सर प्रीपेड एक्सपेंस मींस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, हम एडवांस में पेड करें। सर ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। क्या हमारे लिए बताओ? करंट एसेट्स है। क्लियर? जैसे लिख लीजिए, एसेट्स है, करंट एसेट्स। ये दो डिस्कस किए थे और ये दो आज डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्रूड इनकम और अर्न्ड इनकम। राइट सर, एक्रूड इनकम मतलब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे, अनंत क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। साहब आउटस्टैंडिंग को हम लोग एक और नाम से जानते थे, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल। और साहब प्रीपेड को हम लोग जानते थे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। चलिए एक्रूड इनकम सुन लीजिए, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, ये भी हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स में कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। इनकम देख लीजिए, अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। साहब अर्न इनकम ये हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज है। सर कौन सा लाइबिलिटी है? करेंट लाइबिलिटी। मतलब साहब जी इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। चलो चारों को मतलब जान लो, चारों को मतलब जान लो साहब। सर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का सर दूसरा नाम बता दीजिए, देख लीजिए इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल जो मिलेगा हमको, जो हमको मिलेगा। राइट अनअर्न्ड इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस हमारा लाइबिलिटी है, हमारा क्या है बताओ? लाइबिलिटी। इट्स क्लियर? चलिए अब इसी से अकाउंटिंग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। आइए सर देखिए, सर तीसरा, दो पहले कर चुके थे, आज तीसरा। सर तीसरा में क्या देखना है देख लीजिए साहब, थर्ड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट
रुपीज 500। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, अभी तक हमको मिला नहीं, ठीक है मिलेगा, कितना 500 इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। सर व्हाट इज इफेक्ट ऑन अकाउंट इक्वेशन, देख लीजिए साहब इफेक्ट अकाउंट इक्वेशन पे, साहब ये हम लोग का अकाउंट इक्वेशन, कैपिटल लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अच्छा ये बताइए इनकम अर्न हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे हम किसी कंपनी का, किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए या किसी कंपनी का हम शेयर परचेस किए हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, क्लियर, तो हमको डिविडेंड मिलेगा, और उस कंपनी में का डिबेंचर परचेस किए होंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, हमने इंटरेस्ट लिखा है इसका मतलब उस कंपनी का हमने डिबेंचर परचेस किया होगा। चलिए वो तो अलग बात है, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अभी तक इंटरेस्ट कंपनी आपको नहीं दिया है, अभी तक इंटरेस्ट आपको कंपनी नहीं दिया है। अच्छा कमाई हुआ है कि नहीं आपको, हाँ सर कमाई तो हो गया, इनकम तो जनरेट हो गया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, इनकम जनरेट हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, इनकम जनरेट हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, इनकम जनरेट हो गया है इसका मतलब आपका कैपिटल तो बढ़ गया साहब, बस अब कैश नहीं मिला है, कैश नहीं मिला इसका मतलब आपका इनकम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, आपको मिलेगा, इसका मतलब आपका मार्केट में बाकी है प्लस आपका संपत्ति, क्लियर। तो साहब इनकम कितना हो गया है, प्लस 500 ऐड कर दीजिए कैपिटल में, इनकम लिख दीजिएगा साहब, ऐड करके इनकम लिख दीजिएगा साहब, राइट। लाइबिलिटी कुछ नहीं है, एसेट्स में प्लस कर दीजिएगा 500, बाकी है अब हमको मिलेगा, तो बाकी है तो क्या लिख देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट लाइक डेटर और समान उधार बेचते तो डेटर लिखते, समझो मेरा इंटरेस्ट उधार है, इंटरेस्ट क्या है बताओ, उधार मिलना बाकी है तो अक्रूड इंटरेस्ट, क्लियर। अब इक्वेशन देख लो साहब, इक्वेशन देख लो साहब, ये देख लो इक्वेशन साहब, 500 + 500 + 500 LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS, राइट, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, हाँ सर आई। अब इससे एडिशनल चीजें की और चीज सीख लीजिए, कल के तारीख में ये इंटरेस्ट हमको मिलेगा तब क्या करेंगे, तो ये बाकी था, ये अब हमको पैसा दिया, कैश दे दिया, सर आप ले लीजिए इंटरेस्ट अपना, तब क्या करेंगे, सिर्फ देख लीजिए क्या करेंगे, तब हम प्लस कर देंगे एसेट साइड ही, इधर देख लीजिए दोस्त, हम एसेट साइड प्लस कर देंगे, प्लस 500 माइनस 500 प्लस कर देंगे कैश में,
और माइनस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट जो खोल के रखे थे वो समाप्त हो गया। राइट, क्लियर? यस सर, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न रुपीज 5000, 5000 इंटरेस्ट हमको अर्न हुआ है। ऐसे कर दीजिए ज्यादा अच्छा होगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रुपीज 5000, 5 इंटरेस्ट मिला है। एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अभी मिलना बाकी है रुपीज 1000। क्लियर? 5000 मिल गया है, 1000 एक्रूड है, नहीं और मिलेगा अभी आपको, और आपको मिलेगा 1000। राइट, 1000 और आपको मिलेगा। बताइए सर, देखिए ये देखो दोस्त, कैपिटल लाइबिलिटी इक्वल टू व्हाट एसेट्स, ये बताओ रिसीव कितना हो गया 5000, मिलना कितना बाकी है 1000, यानी साहब टोटल इनकम 6000। यहां लिख दिए इनकम 6000, लाइबिलिटी 0 और एसेट्स में प्लस 5000 प्लस 1000, ये क्या चीज कैश, ये क्या चीज एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। इक्वेशन आप देख लीजिए, इक्वेशन आप देख लीजिए, इधर भी 6000 इधर भी 6000। साहब LHS इक्वल टू RHS, आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ, पांचवा ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव इन एडवांस, हमको एडवांस में कमीशन मिल गया रुपीज 100। साहब और इसी को बोल सकते हैं हम लोग अर्न, अर्न कमीशन, अर्न कमीशन रुपीज 100। यानी थर्ड पार्टी आपको कमीशन दे दिया है, सर मेरा काम कर दीजिएगा। तो बताओ जब तक आप काम नहीं करोगे आपके लिए वो लाइबिलिटी रहेगा? हां सर, लाइबिलिटी तो रहेगा और कैश भी आपके पास आ गया है। तो इक्वेशन आप देख लीजिए, इक्वेशन आप देख लीजिए, इक्वेशन देख लीजिए आप, क्या इक्वेशन ये देखिए, कैपिटल बाबू लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स,
पैसा तो आपके पास आ गया, कैश आ गया, कैश आपके पास आ गया, राइट। क्या इनकम है? क्या उस थर्ड पार्टी का काम ने काम कर दिया? नहीं सर, अभी काम हुआ नहीं है, तब तक के लिए आपका लाइबिलिटी है प्लस 100 अर्न्ड इनकम। अब इक्वेशन देख लीजिए, ये देख लीजिए साहब, इधर भी प्लस 100, इधर भी प्लस 100, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू व्हाट? RHS। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं ट्रांजिशन नंबर 6। ट्रांजिशन नंबर 6 सर, क्या ट्रांजेक्शन है ये देखो, सीखो अच्छे से। कमीशन रिसीव, कमीशन तो मिला हमको ₹3,000, इंक्लूडिंग, इसी में इंक्लूडिंग ₹1,000 इन एडवांस, एडवांस में मिल गया, मिला, दिए नहीं आपको, मिला है आपको कमीशन मिला है, ठीक है, मिला है तो अच्छी बात है। ये देखो दोस्त, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू व्हाट? एसेट्स। कमीशन रिसीव, आपको रिसीव कितना हुआ, तो जितना भी आपको रिसीव हुआ होगा प्लस कर दीजिए 3,000। क्या चीज में रिसीव हुआ सर? कैश में रिसीव हुआ। क्या जो कमीशन आपको 3,000 मिला है, क्या पूरा 3,000 का आपने सर्विस दे दिया? नहीं सर, 1,000 का सर्विस नहीं दिया, एडवांस में मिला है, इसका मतलब सर्विस कितना का दिया? 2,000। तो 2,000 को हम लोग इनकम बोलेंगे और साहब 1,000 को अर्न इनकम बोलेंगे, अर्न कमीशन बोलेंगे या इनकम बोलेंगे, कमीशन बोलेंगे। अब इक्वेशन देख लो साहब, इधर भी 3,000, इधर भी 3,000, राइट। देख लीजिए, LHS इक्वल टू साहब RHS, LHS इक्वल टू RHS, राइट। नेक्स्ट क्लास आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स, दोनों मेथड से, एनालिटिकल मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी, राइट। चल, गुड बाय।